सभी को शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाइयां। चाणक्य ने कहा था कि शिक्षक कभी साधारण नहीं होता, प्रलय व निर्माण उसकी गोद में खेलते हैं। ऐसे ही असाधारण व्यक्तित्व के धनी भारत के द्वितीय राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी को आज हम याद कर रहे हैं। उनकी शिक्षा का प्रचार प्रसार इस समाज में हो, उसके लिए शिक्षक अहर्निश प्रयत्न करते हैं। विगत 5 महीनों से इस कोरोना वैश्विक महामारी ने समाज में जैसा दृश्य उपस्थित किया है, तो उसमें अन्य अनेक कोरोना वॉरियर्स की तरह शिक्षक भी अपनी परंपरागत शिक्षण को छोड़कर आधुनिक से आधुनिकतम संसाधनों को अपनाकर समाज में विद्या के प्रकाश को फैला रहा है। आज चुनौतियों को स्वीकार करते हुए शिक्षकों ने इसे अवसरों में बदला और समाज को एक नई आशा की किरण के रूप में शिक्षा प्रदान की। आओ आज हम सभी मिलकर के अपने इन शिक्षकों का धन्यवाद करें, उनका अभिवादन करें, उनका अभिनंदन करें और उनके द्वारा दी गई शिक्षा को समाज में फैलाएं और अपना कर्तव्य का निर्वहन करें। धन्यवाद। कल तक जिन किताबों के अक्षर जीवित हो जाते थे, चेहरे की रंगत से मन के हाल बयां हो जाते थे, वे किताबें कल में गुम हैं, कोई कॉपी पर नहीं लिखता। वे किताबें कल में गुम हैं, कोई कॉपी पर नहीं लिखता। ऑनलाइन कक्षा में मुझको सबका चेहरा नहीं दिखता। ऑनलाइन कक्षा में मुझको सबका चेहरा नहीं दिखता। फिर भी उसी जोश से यंत्रों से पाठ पढ़ाऊंगा। शिक्षक हूँ हर हाल में मैं अपना कर्तव्य निभाऊंगा। शिक्षक हूँ हर हाल में मैं अपना कर्तव्य निभाऊंगा। जिस घंटी की आवाज को सुनकर दिनचर्या बदल जाती थी, जिस घंटी की आवाज को सुनकर दिनचर्या बदल जाती थी, सुबह सुबह ब्रह्मनाद से हवा शुद्ध हो जाती थी, सुबह सुबह ब्रह्मनाद से हवा शुद्ध हो जाती थी। शिक्षक हूँ हर साल में से अपना कर
रोज मिले खेल का लांच, बच्चों का दिल करता था, खेल खेल कर थक जाते पर कहां मन भरता था। लड़ना झगड़ना गिरना उठना हर किस्सा याद आता है, लड़ना झगड़ना गिरना उठना हर किस्सा याद आता है। खाली मैदानों को देखकर थोड़ा मन बुझ जाता है, खाली मैदानों को देखकर थोड़ा मन बुझ जाता है। फिर भी घर के आंगन में उन्हें व्यायाम करवाऊंगा, शिक्षक हूँ हर हाल में मैं अपना कर्तव्य निभाऊंगा, शिक्षक हूँ हर हाल में मैं अपना कर्तव्य निभाऊंगा। प्रयोगशाला में उत्सुक होकर हर चीज को छेड़ते थे, पुस्तकालय में बड़े शौक से बच्चे कहानियां पढ़ते थे। हर चीज रूठी लगती है जिन्हें बच्चों का साथ नहीं मिलता, हर चीज रूठी लगती है जिन्हें बच्चों का साथ नहीं मिलता। किताबें शिकायत करती हैं, कोई इनसे बात नहीं करता, किताबें शिकायत करती हैं, कोई इनसे बात नहीं करता। फिर भी ज्ञान विज्ञान की बातें बच्चों को समझाऊंगा, शिक्षक हूँ हर हाल में मैं अपना कर्तव्य निभाऊंगा, शिक्षक हूँ हर हाल में मैं अपना कर्तव्य निभाऊंगा। मैस कैंटीन के खाने की खुशबू कितनी लुभाती थी, रिसेस होते ही बच्चों की भीड़ उमड़ कर आती थी। कैंटीन के गर्म समोसे कुलचे अब नहीं बिकते,
कैंटीन के गर्म समोसे कुलचे अब नहीं बिकते, मैस में चाव से खाना खाते बच्चे मुझे नहीं दिखते, मैस में चाव से खाना खाते बच्चे मुझे नहीं दिखते। वह अंतराल की मौज मस्ती जाने कब देख पाऊंगा, शिक्षक हूँ हर हाल में मैं अपना कर्तव्य निभाऊंगा, शिक्षक हूँ हर हाल में मैं अपना कर्तव्य निभाऊंगा। हर उत्सव पर बच्चे मिलकर मंच की सज्जा करते थे, रंग बिरंगे परिधानों से सबका मन हर देते थे, रंग बिरंगे परिधानों से सबका मन हर देते थे। इस बार मगर त्योहारा की रौनक भी नहीं अधूरी थी, दूर दूर अमर सभी भक्त की मंजूरी थी, दूर दूर अमर सभी भक्त की मंजूरी थी, भक्त की मंजूरी थी, भक्त की मंजूरी थी। बार सबके संग ये पर्व मनाऊंगा, विश्वास है इसलिए और सबके संग ये पर्व मनाऊंगा, शिक्षक हूँ हर हाल में मैं अपना कर्तव्य निभाऊंगा, शिक्षक हूँ हर हाल में मैं अपना कर्तव्य निभाऊंगा। हॉस्टल की तो शान अलग थी, जहां लघु भारत बसता था, बच्चों की चहल पहल से दिन रात हर कोना सजता था। अब गलियारों से गुजरो तो उदासी संग चलती है, अब गलियारों से गुजरो तो उदासी संग चलती है, कब तक बच्चे आएंगे दीवारें पूछा करती हैं, कब तक बच्चे आएंगे दीवारें पूछा करती हैं। उम्मीद का दामन थामे हर पल इंतजार में बिताऊंगा, उम्मीद का दामन थामे हर पल इंतजार में बिताऊंगा, शिक्षक हूँ हर हाल में मैं अपना कर्तव्य निभाऊंगा, शिक्षक हूँ हर हाल में मैं अपना कर्तव्य निभाऊंगा। माना पूरी दुनिया में करोना का संकट छाया है, माना पूरी दुनिया में करोना का संकट छाया है, पर ये भी है इस दौर ने हमें बहुत सिखाया है। विद्यार्थी चाहे कहीं भी हो, शिक्षक अपना कर्तव्य निभाऊंगा।